हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। दिस इज़ अ फेसबुक पेज। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ओके, एज मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एनके चौधरी जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जेएनके अपना पहला, हिस्ट्री में पहला ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करवाने जा रहा है, जो कि 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। 12 को श्रीनगर में होगा और 14 को जम्मू सिटी में इसका एंड होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज ने सो फार इंटरेस्ट शो किया है जेएनके में इन्वेस्ट करने के लिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनके चौधरी जी ने कहा है कि 2000 कंपनीज को इनवाइट किया गया है और राउंड अबाउट 45 कंपनीज ने कंसर्न शो कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी तक कंफर्म हो चुकी है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। किसी भी स्टेट के लिए प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत होती है और जेएनके जिधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 15%, उधर इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ओवरऑल इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अराउंड 6.3 अकॉर्डिंग टू NSSO, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर सिंपलर टर्म्स में मैं समझाऊँ तो जो मेजर इम्प्लॉयमेंट है किसी भी स्टेट में तब आती है जब वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता है, जब वहाँ फैक्ट्रीज लगती हैं तब। और JNK का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत वीक है। नो डाउट आपको बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आपके आसपास दिख जाएंगे, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील बर्ड कंपनी अगर हम लें तो स्टील बर्ड सब जानते हैं कि वो हेलमेट्स बनाती है। अगर आप उसका एक शोरूम देखेंगे तो वहाँ 5, 10, नहीं तो 15 आपको बंदे मिल जाएंगे काम करते हुए। लेकिन वहीं अगर उसकी फैक्ट्री होगी तो वहाँ आपको 100, 200 या 300 बंदे भी दिख सकते हैं काम करते हुए। तो ये इंपॉर्टेंस होती है फैक्ट्रीज लगाने में और नॉर्मल शोरूम्स में, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टेट के अंदर। कोई भी स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कितने ही लोगों को हायर कर लेगी। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको तो हर साल अगर 50,000 लोग भी ग्रेजुएट हो रहे हैं और गवर्नमेंट वैकेंसीज 2 से 3 हज़ार निकल रही हैं तो बाकी 48,000 के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो कंपनीज अभी तक जेएनके में इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले है क्योर फिट, ये एक हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी है। नेक्स्ट ट्राइडेंट ग्रुप, नेक्स्ट इज अमूल, नेक्स्ट इज स्टील बर्ड, नेक्स्ट इज लेमन ट्री, इट्स अ चेन ऑफ होटल्स, नेक्स्ट इज कोका कोला, रेडिसन ब्लू, डाबर, नेक्स्ट इज टाटा ग्रुप, महिंद्रा, लुपिन, सन फार्मास्यूटिकल, कैडिला फार्मास्यूटिकल, बर्जर पेंट्स, मेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड द लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट इज द पॉलिसी बाजार। तो ये हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज जो शो फार इन्वेस्ट करना चाहती है जेएनके में। एंड हमारे ऑनरेबल गवर्नर सत्यपाल मलिक सर ने भी कंफर्म कर दिया है कि 50,000 वैकेंसीज वो अगले 2 से 3 महीने में निकालेंगे। लेकिन शो फार उन्होंने बताया नहीं है कि वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में होगी और ऑनलाइन फॉर्म्स होंगे, ऑफलाइन फॉर्म्स होंगे, क्या एग्जाम स्ट्रक्चर होगा, क्या सिलेबस होगा। जैसे ही उस पर कोई नोटिफिकेशन आती है वो भी हम शेयर करेंगे यहाँ पे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।